पोषण मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा हेतु संचालित जिला पोषण समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका कार्य प्रारंभ कराते हुए अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करते हुए सभी कार्यों की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि विकास खंडों पर खुली बैठकें नियमित रूप से आयोजित हो तथा CDPO कार्यालय व्यवस्थित कराते हुए उनका प्रशिक्षण कराया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का भी प्रशिक्षण कराते हुए क्लासरूम पद्धति प्रारंभ की जाए। सभी आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से खुले और संबंधित कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से आवश्यक हो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ करें। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने दायित्व निर्वहन के प्रति लापरवाही बरतते पाई जाए उनको हटाते हुए सक्रिय कार्यकर्ती की तैनाती की जाए और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर कायाकल्प योजना के तहत कार्यवाही की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह ने कहा, पेंशन अगर विधवा है तो विधवा में अगर इन परिवार, ये जो आप 9000 प्लस करीब 18000 के लोग हैं, इन परिवारों को अगर नहीं मिला है तो ये हमारा सिस्टम का टोटल फेलियर। वरना कितना भी आप लेक्चर दे दो, दस हफ्ते से एक विशेष घटक गांव में करना है, जैसे मैं बोलता हूँ तो आप बोलते हो गाँव में जाकर कि ये समुदाय की जिम्मेदारी, ये बच्चा समुदाय की, जहाँ आपको चाहिए आप सीधा मुझे मिल लीजिए, हम करवा देंगे आपके लिए मुझे। लेकिन ये आपको आंगनवाड़ी बता दे सर, गुस्सा नहीं करना। अंत्योदय कार्ड आवास अगर कच्चा है तो आवास कैसा आता है, पेंशन का आता है, एनआरएम भी बहुत अच्छा है। तो ये इनके साथ में होती है गूगल स्क्रिप्ट बनवा दी, सारी CDPO सुपरवाइजर को अच्छी बताता हूँ, इसका एक स्क्रिप्ट बना देना, ये लोग जब तक स्क्रिप्ट नहीं होगा तब तक नहीं बनाएंगे। देखिए, हर माह जो आयोजित होती है पोषण समिति की बैठक, वो समिति की बैठक इस बार DM साहब के अध्यक्षता में हुई है और जो हम लोग पिछले माह में सितंबर माह में हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया था उसकी समीक्षा हुई है, विस्तार से DM साहब ने किया है और साथ ही आगे जो हम लोग को काम करना है उस पर निर्देश दिया है। इसमें मुख्य रूप से जो हम लोग लगभग 18,000 बच्चों को चिन्हित किए हैं SM, MM और रेड कैटेगरी के, उन पर फोकस करने के लिए DM साहब ने निर्देशित किया है और उनके साथ खुली बैठक करने और आंगनबाड़ी को उनके घर जा करके दस्तक दे करके और 10 हिस्से बताने की बात की गई है। इसमें निर्देश दिया गया है, इस निर्देशों का हम लोग पालन करेंगे और जो भी निर्देश दिया गया DM साहब का उसको पालन किया जाएगा। कुपोषण बच्चों के लिए चर्चा, कुपोषित बच्चों के लिए विशेष तौर से जो हम लोग का राशन बढ़ता है वो देना है और हम लोगों ने जो कुपोषित बच्चे हैं उनके गांव को जिला स्तरीय अधिकारियों को गोद दिया है, तो DM साहब का निर्देश था कि वो जो अधिकारी गोद लिए हो जाएंगे, चौपाल करेंगे, उन बच्चों को जो है उनकी देखरेख करेंगे, मॉनिटरिंग कराएंगे और स्वास्थ्य विभाग से जो आवश्यक सहायता है वो ले करके उनकी जो है स्वास्थ्य संवर्धन के भी काम किया जाएगा।